वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट। हमारे आज के वीडियो में हम आपके मेन कोर्स बुक द फर्स्ट फ्लाइट के लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, इट मीन्स दैट समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ। नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति बने तो उनका जो समारोह था वह कहाँ पर संपन्न हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप भारत में कुछ ऐसे भवन के नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर से निर्मित हों। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने पर जो समारोह हुआ था वह सुंदर बलुआ पत्थर के बने हुए रंग महल में संपन्न हुआ। It was formed by the Union Buildings in Pretoria. इस एम्फीथिएटर का निर्माण प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा किया गया था। Now, public buildings in India made of sandstone are रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एक्सेट्रा। सार्वजनिक भवन भारत में जो कि बलुआ पत्थर से बने हुए हैं वे हैं लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हो कि 10th May किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के लिए autumn day साबित हुआ? So answer is 10th May is autumn day in South Africa because on that day there was the largest gathering of international leaders in South African soil. 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे इसलिए साबित हुआ क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका की मिट्टी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता एकजुट हुए। क्वेश्चन नंबर 3। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? अपने स्पीच में मंडेला एक अति असाधारण मानवीय विपत्ति का उल्लेख करते हैं, उससे क्या तात्पर्य है? And what is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण के अंत में वह कौन सी भव्य मानवीय उपलब्धि के बारे में बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं आंसर को। बाय दिस ही मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक। अति असाधारण मानवीय विपत्ति से तात्पर्य है वहाँ के श्वेत लोगों द्वारा वहाँ पर रहने वाले अश्वेत लोगों पर शासन जो कि बहुत लंबा चला। Glorious achievement was the political independence from the white rule by the black native. गौरवशाली उपलब्धि से तात्पर्य वहाँ के अश्वेत मूल निवासियों द्वारा श्वेत शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता थी। क्वेश्चन नंबर 4। What does Mandela thank the international leader for? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? आंसर इज मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों की स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर
वहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मींस साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए वे कौन से आदर्श, कौन से विचार स्थापित करते हैं? सो द आंसर इज ही सेट आउट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेज। वे अपने यहाँ के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। दीज आर पोवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। ये बंधन हैं गरीबी, वंचितता, कष्ट, लिंग भेदभाव और अन्य भेदभाव। तो ये तो था हमारे लेसन 2 का फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। वी विल बी सून हियर विथ आवर न्यू वीडियो। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।